Subscribe to App Institute and get the international education about computers and technical science. A shape enhancement morning to viewers. This is your host Shaurav. In this whole video, we are going to show you that how to use border radius property. So let's achieve in Hindi language. Guys, इस चैप्टर में हमें CSS का बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी पढ़ना है. बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी ऑर्डिनरी शेप को अलग अलग शेप्स में कन्वर्ट करना हो. मीन्स आपने बनाया स्क्वायर या रेक्टेंगल और आप चाहते हो उसको आप दूसरे किसी आकार में कन्वर्ट करो, तो आप CSS के बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी से ऐसा कर सकते हो. क्लियर? बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को लिखने का दो तरीका है. आप शॉर्ट हैंड मेथड से लिख सकते हो, लॉन्ग हैंड मेथड से भी लिख सकते हो. शॉर्ट हैंड मेथड से लिखने के लिए आप राइट करोगे बॉर्डर रेडियस और उसके वैल्यू में कोई न्यूमेरिक पिक्सल्स डिफाइन करोगे. आप ध्यान रखें, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी उन्हीं ब्राउजर्स को सपोर्ट करते हैं जो लेटेस्ट होते हैं, यानी कि गूगल क्रोम का लेटेस्ट अपडेट वाला ब्राउज़र. अगर आपने यूज किया लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब है इस प्रॉपर्टी को सभी तरह के ब्राउजर्स सपोर्ट करेंगे, बेसिक टू स्टैंडर्ड. क्लियर? लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी हम CSS2 में पढ़ते हैं, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हम CSS3 में पढ़ते हैं. आप कैसे कहोगे कि एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है? क्योंकि जब आप बॉर्डर रेडियस में कोई न्यूमेरिक वैल्यू पास करोगे तो इसका चारों डायरेक्शंस एक बार में कन्वर्ट होगा. तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने लिखा एक न्यूमेरिक वैल्यू, लेकिन सिर्फ एक न्यूमेरिक वैल्यू से आपका चारों डायरेक्शंस एक बार में कंट्रोल हो जा रहा है, तो आप कहोगे कि एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है. लेकिन यहाँ ध्यान दें, यहाँ हर डायरेक्शन के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज है, तो इसका मतलब है ये लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी है. तो बेसिकली एक शेप में चार डायरेक्शंस होते हैं बॉर्डर रेडियस के रिस्पेक्ट में. ये जो कॉर्नर आप देख रहे हो, इन्हें कहा जाता है टॉप लेफ्ट, इन्हें कहा जाता है टॉप राइट, इन्हें कहा जाता है बॉटम लेफ्ट और इन्हें कहा जाता है बॉटम राइट. आप चाहते हो सिर्फ इस कॉर्नर को मोड़ना या इस कॉर्नर को कन्वर्ट करना, तो ये क्या है? बॉटम राइट. तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज करोगे, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस 40 pixels. तो इसका मतलब है ये कॉर्नर नीचे से 40 pixels मुड़ जाएगा. क्लियर? उसी तरह से अगर आप चाहते हो इस कॉर्नर को चेंज करना, तो सिंपली ये कॉर्नर टॉप लेफ्ट है, तो आप प्रॉपर्टी यूज करोगे बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 40 pixels. क्लियर? तो डिपेंड आप पे करता है आप इनका उपयोग करते हो या इन चारों का उपयोग करते हो. इन चारों में आपको चारों के लिए अलग अलग लिखना होगा, इसमें चारों डायरेक्शंस के लिए एक ही बार आप डिफाइन कर देते हो. क्लियर? लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी में और भी बेनिफिट्स है. आप चाहते हो इसको 40 pixels मोड़ना, आप चाहते हो इसको 60 pixels, आप चाहते हो इसको 150 pixels और आप चाहते हो इसको 10 pixels मोड़ना, तो ऐसा आप लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज़ में ही कर सकते हो. शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में आप पास करते हो एक वैल्यू, तो इसका मतलब है आप चारों दिशा को 40 pixels टर्न करना चाहते हो. क्लियर? ओके. सो गाइज, इसका प्रैक्टिकल सेशन हम अगले पार्ट में अचीव करेंगे. सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पे क्लिक करें. सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल गाइज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. हैव अ ग्रेट डे. सब्सक्राइब टू App Institute एंड गेट द इंटरनेशनल एजुकेशन अबाउट कंप्यूटर्स एंड टेक्निकल साइंस.